हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन बाय गीता शर्मा, जहां हर कोई बनेगा डिजाइनर। सो फ्रेंड्स, कैसी रही आप सबकी होली? आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी। और हम लोगों के लिए तो फेस्टिवल का मतलब है, सभी लेडीज के लिए, सभी ब्यूटीफुल लेडीज के लिए फेस्टिवल का मतलब है कि ज्यादा काम। और होली पर तो बहुत ही ज्यादा काम फैल जाता है। पहले घर साफ करते हैं, फिर वापस गंदा हो जाता है, और फिर उसको हम बहुत अच्छे से साफ करते हैं, फिर भी साफ नहीं होता। मैं तो होली बहुत ही कम खेलती हूँ, सिर्फ मैं पानी से ही खेलती हूँ। मुझे कलर वलर नहीं मैं बिल्कुल भी लगाती हूँ, सिर्फ पानी से खेलती। तो ज्यादा मेरा घर इतना गंदा नहीं होता, बच्चे भी होते तो छत पे ही खेलते हैं। तो आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी। तो कोई नहीं, जो आप थक गए हैं बेड पर लेटिए और हम लोगों की वीडियोस देखिए आप, और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए जैसा कि आप मुझे हर वीडियोस पर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कॉटन की कुर्ती, जैसे कि समर सीजन आ ही गया, और तो मैं आपको कॉटन की कुर्ती दिखाने वाली हूँ। और ये बताने वाली हूँ कि जैसे कई कपड़े ऐसे होते हैं कि हम कॉटन, जैसे हम कुर्ती बना लेते हैं और उसमें से कपड़ा बच जाता है। मान लीजिए मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है, मैंने उसमें से एक कुर्ती बना ली है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कट वट वाली कुर्ती, वैसी बना ली है, और मेरे पास कपड़ा बचा है। क्योंकि कुर्ती मैंने बनाई थी अपनी भाई की बेटी के लिए, तो उसमें से कपड़ा बच गया। उसका मैंने कैसे यूज किया वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये रेड कलर की कुर्ती, समर सीजन के लिए सबसे बेस्ट है। कॉटन लीलन, लीलन का कपड़ा थोड़ा ज्यादा जल्दी से सुकड़ जाता है। लीलन के कपड़े को आप कैसे पहचान सकते हैं, ये मैं इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ कुछ कपड़ों को पहचानने के लिए। उस वीडियो को मैं अपने दूसरे चैनल ब्लॉग्स बाय गीता शर्मा पर डालूंगी। अगर आप कपड़े से जुड़ी नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सिलाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मेरे की तरह, तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कॉटन की कुर्ती। शर्ट कॉलर मैंने बनाया, जैसे कि शर्ट कॉलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो लोग देखिए, सबके लिए अपने अपने रीजन होते हैं कि कॉलर नहीं पहनते। कुछ लोग नहीं पसंद होता है, टाइट हल्का सा भी महसूस होता है उनको, गर्मी ज्यादा लगती है। तो आप गोल नेक बना सकते हैं, मैंने कॉटन कॉलर वाला नेक बनाया है, शर्ट कॉलर वाला। और ये प्रिंसेस कट दिया है मैंने इस कुर्ती को, बीच में मैंने एक बटन लगा दिया इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, और मैंने ये लुपियां लगा दी हैं क्योंकि इसमें व्हाइट एंड ब्लू कलर था, कम था। जो कलर आपकी कुर्ती में सबसे कम हो आपको वो ही अपनी कुर्ती में डालना चाहिए। जैसे कि मान लो आप पाइपिंग लगा रहे हैं या आप लुपियां लगा रहे हैं, तो जो कम कलर आपकी कुर्ती में हो आप उसी का यूज करें। उससे क्या होता है, डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा खिलकर आता है। तो इस तरीके से साइड में मैंने कट लगाया है, और कट लगाकर भी मैंने इस तरह से लुपियां लगाई हैं। और नीचे की तरफ जो है मैंने इसमें ए लाइन हो गया, ये प्रिंसेस कट करके फिर मैंने इसमें नीचे फ्रिल लगाई है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें फ्रिल लगा दी, जिससे कि इसका जो घेर है नीचे का फ्लेयर है काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। अभी मैं आपको इसकी पूरी लुक भी दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी कुर्ती ये लगती है, बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाने का। इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैंने डाल रखी है, उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर। आप इसका पूरा लुक देखिए कि ये कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मैंने इसे एक लहंगे के साथ भी कैरी किया है और एक स्कर्ट के साथ भी कैरी किया है, क्योंकि मैं ऐसे करती रहती हूँ कि किसी भी चीज के मैं साथ पहनकर देखूं कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। आजकल आप कुछ भी पहनते हैं तो आप ट्रेंड सेट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी और को देखकर ही हमें पहनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं। अगर आपने पहना है कोई चीज किसी चीज के साथ, कुछ भी अपना मतलब डिजाइन बनाया है या अपने स्टाइल किया है, उसी स्टाइल को देखकर 4 लोग और स्टाइल करते हैं। सबकी पसंद बिल्कुल अलग अलग होती है। तो मैं भी कुछ भी किसी भी चीज के साथ पहन लेती हूँ, तो मैंने इसे लहंगे के साथ भी पहना है, अपने स्कर्ट के साथ भी पहना है। तो देखिए इसका लुक कैसा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये साइड कट वाली कुर्ती लहंगे के साथ भी काफी अच्छी लग रही है। बैक से आप देखिए इसका लुक कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, और रेड और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। देखिए, कुर्ती और लहंगा जब मैंने डाला है तो मेरी हाइट भी काफी लंबी लग रही है, 2 से 3 इंच लंबी लगती है। तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अगर हम ऐसा आउटफिट पहनते हैं तो उसमें हाइट जो है वो थोड़ी और भी लंबी लगती है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लुक लगा है, बिल्कुल ऑड नहीं लग रहा है, ये सही लग रहा है मुझे। अब देखिए, कॉटन की स्कर्ट के साथ मैंने इस कुर्ती को डाला है। ब्लू कलर की अगर स्कर्ट होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। कलियों वाली स्कर्ट बनाई है ये मैंने, 3 मीटर कपड़े में से बनाई है। नीचे ब्लू कलर का शेड दिया है, ये मैंने
अंगरखा स्टाइल कुर्ती जो आपको दिखाया था मैंने सलवार के कपड़े में से बनाई थी वो कुर्ती, उसके नीचे के लिए मैंने ये स्कर्ट क्रिएट की है। आप चाहें तो इसके नीचे जीन्स भी पहन सकते हैं, आप चाहें तो इसके नीचे लैगी भी पहन सकते हैं, प्लाजो भी पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कर्ट ही आपको पहननी है। मैं तो आपको सिर्फ थोड़ा सा स्टाइल दिखाती हूँ कि आप ऐसे पहन सकते हैं या वैसे पहन सकते हैं, नहीं तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है इन कुर्तियों के नीचे आप वो पहन सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए हर जगह भी हर लोग भी स्कर्ट नहीं पहनते हैं, तो आप किसी भी आउटफिट के साथ अगर इस तरह की कुर्ती बनाकर पहनेंगे तो वो काफ़ी अच्छी लगेगी, जीन्स के साथ भी बहुत ही अच्छी लगेगी और लैगी के साथ भी। तो ये देखिए इसका लुक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 3 मीटर में से ये प्रॉपर बनी है। तो फ्रेंड्स एक ये कुर्ती मैंने बनाई है, बिल्कुल सिंपल बनाई है, कॉलर की इसलिए बना ली है क्योंकि स्ट्रेचेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है इसे पहनने में बिल्कुल भी। ऐसा ये कपड़ा है रिंकल वाला, सिंपल बिल्कुल सिंपल कॉलर की मैंने कुर्ती बनाई है और लॉन्ग बनाई है, इसमें कुछ भी मैंने नहीं किया है। ये वाला नेक रखा है, कुछ भी मैंने इसमें ज्यादा नहीं किया है, नेट की स्लीव्स लगा दी है और नीचे की तरफ मैंने इस तरीके से यही वाला कपड़ा मैंने इसका भी डिजाइन इस पे डाल दिया है, आगे थोड़ा सा पट्टी लगा दी, बस वही डिजाइन मैंने इसमें किया है। बिल्कुल सिंपल ये कुर्ती बनाई है। ये वाला कपड़ा पहले अब से 10 साल पहले, कम से कम 10-12 साल पहले, नहीं ज्यादा ही होगा, सिर्फ साड़ी का पल्लू आ रहा था, साटन की साड़ी पूरी आ रही थी और पल्लू आ रहा था। किस किस के पास थी ऐसी साड़ी, क्योंकि मेरी सिस्टर के पास थी और मैंने पहनी थी फेयरवेल में वो साड़ी, तो ऐसी साड़ी सिर्फ पल्लू आ रहा था, तो ये उसी पल्लू में से मैंने बनाया है कुर्ती बनाई है। साड़ी का पल्लू पल्लू था, पूरी साड़ी साटन की थी, ऐसी साड़ियां काफी ज्यादा चली थी। अब से होगा हाँ, जब मैंने देखिए मैंने फेयरवेल में 12th में पहना होगा तो कितना टाइम हो गया होगा, 17 साल तो मेरी शादी को ही हो गए हैं, तो काफी टाइम हो गया, तो उसका पल्लू था उसमें से मैंने ये कुर्ती बना ली थी, सिंपल ही कुर्ती मैंने बनाई है ये। अब इसके नीचे मैंने क्या किया है, मैंने अपनी जो भाई की बेटी की कुर्ती बनाई थी, साइड में आप उसकी पिक देखिए, उसमें से क्या हुआ था 3 मीटर में वो बन गया था, 3 मीटर में ये वाली कुर्ती बन गई थी, साइड में आप पिक देख रहे हैं। फिर मेरे पास बचा 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर से थोड़ा सा कम बचा था, 2 मीटर पूरा नहीं थोड़ा सा कम बचा था, तो उसमें से मैंने क्या बनाया, एक सिंपल प्लाजो अपने लिए क्रिएट कर लिया, बिल्कुल सिंपल सीधा प्लाजो। ये मैंने कटिंग करना मैंने आपको बताया, स्टिचिंग करना मैंने इसको नहीं बताया क्योंकि सिलाई सिर्फ आसन में सिलाई लगाकर और गोल सिलाई ही लगानी थी, तो मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, तो मैंने ऐसा सिंपल प्लाजो बना लिया है। ये देखिए मेरा प्लाजो बीच में से कहीं भी झोल नहीं आएगा, इस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल झोल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको किस तरीके से थोड़ी सी गोलाई कर ही सिलाई लगानी है, और अगर आप बिल्कुल ऐसे ही यूं बनाएंगे और ऐसे ही चोंच की तरह सिलाई लगा देंगे तो वो बिल्कुल खराब होता है, उससे झोल आता है। अभी इसको आप देखेंगे तो ये देखिए मैं अपने जो प्लाजो को है बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ, आप अगर ऐसे गोल सिलाई लगा देंगे तो आप उसको ऐसे भी नहीं कर सकते, तो यही रीजन होता है प्लाजो का बीच में से उठने का। ठीक है, ये मैंने बना दिया। इसका दुपट्टा था ये इसका दुपट्टा है, तो मुझे दुपट्टा भी नहीं फेंकना था और ये कपड़ा भी मुझे यूज करना था, तो मैंने ये दुपट्टे को भी मैंने यूज किया और नीचे मैंने इसमें ही कपड़े से बचे हुए थोड़ी छोटी छोटी सी लुपियां लगा दी हैं, और अब आप प्लेन कुर्ती के साथ इसका लुक देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए बचे हुए कपड़े में से मैंने प्लाजो जो बनाया था प्लेन कुर्ती के साथ कितना ज्यादा ये अच्छा लग रहा है, और मेरा दुपट्टा भी यूज में आ गया है। ये कुर्ती मैंने पहले ही बना ली थी और अभी ये देखिए इसका आउटफिट कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, नीचे प्रिंट और ऊपर प्रिंट और बीच में प्लेन, ऐसी साड़ियाँ वापस में ट्रेंड में आ गई हैं, जैसा मैंने ये कुर्ती बनाई है वैसा पल्लू वाली साड़ियाँ दोबारा से ट्रेंड में आ गई हैं कि पल्लू ऐसा है और पूरी साड़ी प्लेन साटन की है, ये भी साटन में क्रश का काम हो रखा है। ये कितने रुपये मीटर आपको मिल जाएगा ये कपड़ा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। उस वीडियो को मैंने अपने दूसरे चैनल ब्लॉग्स बाय गीता शर्मा पर डाला है, कपड़ों से रिलेटेड वीडियो मैं वहीं पर डालती हूँ, आप वहाँ भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स ये कुर्ती मैंने अपने भाई की बेटी के लिए बनाई थी, अभी तो मेरे पास नहीं है ये कुर्ती तो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ पास से,
ये प्रिंसेस कट कटिंग की ही मैंने बनाई है। साइड कट वाली कुर्ती, इसे स्लिट कट कुर्ती भी कहा जाता है। इसे मैंने प्लाजो के साथ पहन लिया है। रेड कलर के फ्लावर्स हैं इसमें, इसमें ब्लू शेड के फ्लावर बहुत कम हैं, तो देखिए मैंने ब्लू कलर की ही वो डाली है इसमें। ये दुपट्टा इसका था, देखिए जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया है। ये स्कर्ट के साथ मैंने डाली है, स्कर्ट के साथ भी अच्छी लग रही है। ये जीन्स के साथ भी अच्छी लग रही थी, मेरे भाई की बेटी जीन्स के साथ ही इसको पहनेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल ये कुर्तियाँ लगती हैं। और जो रेड कलर की कुर्ती मैंने आपको दिखाई है, उसकी कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी। बस उसमें आपको क्या करना है, इस कुर्ती की लेंथ आपको कम करनी है और नीचे फ्रिल लगा देनी है, फ्रिल के लिए कपड़ा बचा लेना है। 3 मीटर में से, पूरे 3 मीटर में से ये बनेगी, लेंथ के हिसाब से भी डिपेंड करता है, 2.5 मीटर में भी बन सकती है अगर आपकी लेंथ कम है तो। पूरे 3 मीटर में से ये बनती है, और अगर आपको स्कर्ट भी बनानी है तो स्कर्ट भी 3 मीटर में ही बनेगी। जो अच्छा घेर वाला प्लाजो है वो भी 3 मीटर में ही बनता है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कपड़े का। तो आप इस कुर्ती में दो तरफ भी कट लगा सकते हैं, जैसे मैंने एक साइड में कट लगाया है, एक और इधर ही कट लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो बीच में बिल्कुल कली की तरह ही कटता है ये। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगी, आप देख लेना। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका लाइक हम लोगों के लिए बहुत मायना रखता है, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं। तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा कौन सी कुर्ती अच्छी लगी, और आप किस तरह की कुर्ती चाहते हैं, और भी अच्छे अच्छे डिजाइनर कुर्तियां आप आने वाली वीडियोज में देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ, और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हो बने रहिए मेरे चैनल पर, आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ है देखने के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर। बाय फ्रेंड्स, बाय।